Good morning, everyone. Continuing with our next topic, benefits of e-banking. E-banking beneficial है bank customers के लिए भी, banks के लिए भी और whole economy के लिए भी. तो तीनों को अलग अलग जो इसके benefits हैं वो हम इस topic में study करेंगे. पहला है benefits customers को क्या है. 24/7 banking services हैं. All days आप कभी भी कहीं से भी इससे operate कर सकते हैं. देन ईजी एसेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, किसी भी टाइम पे आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, स्टेटमेंट ले सकते हैं, चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं. ई बैंकिंग हेल्प करता है कस्टमर को इन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, वाटर बिल्स एक्सेट्रा की पेमेंट आप कर सकते हैं. आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप स्वाइप कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को एट द पॉइंट ऑफ सेल और आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. देन कस्टमर्स जो है वो इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में थ्रू ई बैंकिंग. कस्टमर विदड्रॉ कर सकते हैं कैश एट एनी टाइम थ्रू ATM. देन क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो हेल्प करता है कस्टमर्स को कि वो अवेल कर सकते हैं क्रेडिट फैसिलिटी विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड फॉर प्रिस्क्राइब्ड टाइम बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के. देन बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग का बैंक्स को, आपकी कॉस्ट रिड्यूस्ड हो जाती है ऑन डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स. वर्कलोड जो है बैंक एम्प्लॉयज़ का वो कम हो जाता है, पेपर वर्क रिड्यूस्ड हो जाता है, प्रमोट करता है यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी को. एफिशिएंट ई बैंकिंग फैसिलिटी जो बैंक प्रोवाइड करवाता है उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसे मिलती है ओवर दी अदर बैंक्स. ई बैंकिंग जो है उसने एक्सपेंशन किया है बैंकिंग सर्विसेज का उन एरियाज में भी जहां पर कन्वेंशनल जो बैंक ब्रांच थी वो नहीं थी. बैंक्स इजीली अर्न कर सकते हैं रेवेन्यू थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज एडवर्टाइजमेंट्स ऑन देयर वेबसाइट्स. देन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स हैं, स्प्रेड करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, प्रमोट करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और सेव करता है पेपर को. लिमिटेशंस क्या हैं ई बैंकिंग की, सबसे पहला लैक ऑफ ट्रस्ट, कस्टमर्स को फेथ नहीं है ई बैंकिंग को, वो अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यूज़र आईडी, डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा की जो डिटेल्स हैं वो ऑनलाइन शेयर करना नहीं चाहते हैं. देन नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम. जो डाटा बेस है ई बैंकिंग का उसे रिस्क है हैकिंग का और साइबर क्राइम का. तो जो रिस्क है इसे सिक्योरिटी रिस्क भी आप कहते हैं. तो जो कस्टमर्स है वो हेजिटेट करते हैं ई बैंकिंग को यूज़ करने के लिए बिकॉज ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम्स. देन लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, रूरल एरियाज में बहुत कम लोग हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सिग्नल्स नहीं है, तो फंक्शनिंग में ई बैंकिंग की वहाँ पर प्रॉब्लम आती है. देन डिफ़िकल्टी टू लेस एजुकेटेड पर्सन, ई बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है वो लिटरेट पर्सन जिसे बेसिक नॉलेज हो इंग्लिश लैंग्वेज की वही हैंडल कर सकता है. देन इम्पर्सनल जो ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन है क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है बिटवीन कस्टमर एंड बैंक्स, जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और ई बैंकिंग में वो चीज़ नहीं है तो इम्पर्सनल डीलिंग है. देन हैवी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो बैंक है उसे हैवी कॉस्ट पड़ती है टू डिज़ाइन वेबसाइट एंड इंस्टॉल हाई वायरफॉल टू इंश्योर सिक्योरिटी इन ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. तो इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है और ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट बैंक्स का उसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.